नाउ द मिडनाइट विजिटर का शुरू करें तो मिडनाइट विजिटर एक स्टोरी है जहां पे एक डिटेक्टिव है जिसका नाम है ऑसिबल। ऑसिबल है और दूसरा कैरेक्टर है मैक्स। इन दोनों की इर्द गिर्द यह स्टोरी घूमता है। अगर मैं इस स्टोरी का फैक्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में फैक्ट है और प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में फैक्ट है। सो आई कैन से दैट ऑसिबल इज अ सीक्रेट एजेंट, इज एक्सपेक्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। और एक सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स। मैक्स उसको थ्रेट करता है पिस्टल लेके और डिमांड करता है कि ऑसिबल उसे वो रिपोर्ट दे दे जो रिपोर्ट उसके पास है। तो स्टोरी का शुरुआत कहां से होता है ना, स्टोरी का शुरुआत होता है सीक्रेट एजेंट ऑसिबल के पास से, जो अपना एक शाम एक राइटर के साथ बिताने वाला है जिस राइटर का नाम है फाउलर। और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक मीटिंग, और उस मीटिंग के अंदर टपक पड़ता है कौन, मैक्स। अगर मैं इसका समरी के बारे में बात करूं, एक बार समरी देख लेते हैं तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी इन ए प्रॉपर वे। सो स्टोरी आपके ऑसिबल को लेकर शुरू होता है और ऑसिबल से मिलने का अपॉइंटमेंट लेता है फाउलर। फॉलर एक राइटर है और ऑसिबल के साथ उसका पहला अपॉइंटमेंट लिया गया है। वो एक सीक्रेट एजेंट को देखना चाहता है, मगर अनफॉर्चुनेटली ऑसिबल को देखने के बाद मैक्स सॉरी फॉलर का ये आइडिया हट गया कि ये सीक्रेट एजेंट है, क्योंकि बहुत ही नाटा सा मोटा सा एक आदमी था जिसको किसी भी एंगल से सीक्रेट एजेंट नहीं लग रहा था। इन दोनों के बातचीत में जैसे ये रूम के अंदर घुसते हैं तो अचानक देखते हैं एक आदमी पिस्तौल लेके इनके सामने आता है। इनका नाम है मैक्स और ऑसिबल से डिमांड करता है कि जो मिसाइल का रिपोर्ट आपके पास है, जो मिसाइल्स का रिपोर्ट आपके पास है वो रिपोर्ट मुझे हैंड ओवर कर दीजिए, नहीं तो आप अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। तो ऑसिबल अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि कैसे एक लड़का कुछ दिन पहले उस बैलकनी से उसके घर में घुस आया है जबकि घर के बाहर कोई बैलकनी है ही नहीं। तब तो मैक्स उसे कहता है कि मैं तो आपके बैलकनी से नहीं आया हूं, मैं तो आया हूं आपके डोर से, मैंने डुप्लीकेट चाबी बना लिया था। अब ऑसिबल के दिमाग में एक प्लान खेला। क्या प्लान? ना प्लान था सिंपली इस मैक्स को किसी तरीके से बिना हथियार उठा के उसको मारना है और इसके लिए दिमाग चाहिए। तो ऑसिबल ने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और कहा, देखिए मेरा चारों ओर पुलिस ही पुलिस है, तो कभी भी अगर मैं 10-15 मिनट में बाहर नहीं जाता हूं तो पुलिस कभी भी आ सकता है मेरे रूम में, और अब विश्वास नहीं करेंगे अभी भी पुलिस आएगा 10 या 5 मिनट के अंदर, तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं, बाहर बैलकनी से आप भाग जाइए, वो बेटर होगा। तो जैसे ही दरवाजे में नॉक होता है, ऑसिबल बोलता है, मैक्स अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करेगा पुलिस वाला करेगा। मैक्स कुछ नहीं देखता है और उस बैलकनी उस विंडो से बाहर कूद जाता है यह सोच के कि बाहर बैलकनी है। जब फाउलर दरवाजा खोलता है तो देखता है उस होटल का वेटर एक शैंपेन का बॉटल लेके उसके रूम में आया है। तो फॉलर ने कहा कि आपने कहा पुलिस आएगा, तो ऑसिबल ने कहा ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है अपने शत्रुओं को बचाने, आपको अपने आप को शत्रुओं से बचाने के लिए ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्लान था। एक्चुअली बाहर कोई बैल्कनी है ही नहीं। जब फॉलर उस विंडो से बाहर देखा तो देखा नीचे मैक्स मरा पड़ा हुआ है, और इस तरीके से फॉलर का आइडिया रॉन्ग हो गया कि एक आदमी को देख के हम लोग विचार नहीं कर सकते। ऑसिबल को देखने में सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं लग रहा था, मगर उसका जो बुद्धि था वो कमाल का था। एंड दैट इज हाउ द स्टोरी गोज ऑन।
तो पहला पार्ट को हम लोग देखते हैं, ऑसोबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर एंड हैड नेवर रेड फॉलोइंग इन डाउन द मिस्टी कॉरिडोर ऑफ ए ग्लूमी फ्रेंच होटल। तो ऑटोमेटिकली जहां पे है वो पार्ट एक ग्लूमी कॉरिडोर है। इसका मतलब हुआ ऑसिबल जो सीक्रेट एजेंट है फाउलर एक राइटर है, उसके अनुसार कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स उस सीक्रेट एजेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है। अब वो जिस होटल पे अपना रूम लेके रहता था कौन ना ऑसिबल, और वो एक छोटा सा रूम था जो रूम 6th फ्लोर में था। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देयर वॉज हिज एक्सेंट। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, ही हैड नेवर ऑल टूगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago। सो 20 साल पहले जब वो बोस्टन से पेरिस आया था तो वो ओरिजिनली एक अमेरिकन है, उसका एक्सेंट से पता चलता है, मगर वो फ्रेंच और जर्मन अच्छा खासा बोल लेता है क्योंकि वो बोस्टन से पेरिस आए हुए 20 साल हो गए हैं। ऑसिबल ने कहा यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर। तो आहिस्ता से उसके कान के पास जाके बोला कि मुझे पता है कि आप डिसअपॉइंटेड हुए हैं। You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. इस पार्ट का अगर मतलब हम लोग समझने का कोशिश करें तो मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं और आपको बताया गया था मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं या एक स्पाई हूं जो डेंजर और सस्पेंस लेकर डील करते हैं। You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. तो फाउलर एक राइटर है, यंग है और रोमांटिक है। You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drug in the wine. So, फॉलर के पास एक आइडिया था कि चलो जो आदमी से मुलाकात होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और उसके पास बंदूक रहेगा, पिस्टल्स रहेंगे, मगर उसके वजह से उसके जगह आपने जो समय बिताया है मेरे से मिलने से पहले वो क्या था ना, ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है तो जहां पे वो रहता था डायरेक्टली फॉलर को वहां पे लाया नहीं गया। फॉलर पहले उसके होटल में आया था, होटल में आने के बाद नीचे जो लॉबी था लॉबी में वेट कर रहा था, उसके बाद एक लड़की उसको टेलीफोन में इंडिकेट करता है कि एक आदमी आपसे मिलने आया है। कुछ देर के बाद उस आदमी को ऊपर बुलाया जाता है। तो ये जो नेक्स्ट पैरा है इसी को लेकर डील करेंगे। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. So, yahan pe राइटिंग के अनुसार ऑसिबल का कहना है कि फॉलर काफी डिसअपॉइंटेड हुए होंगे क्योंकि उससे पहले उसको नीचे वेट करना पड़ा है जहां पे वो बहुत बोरिंग फील कर रहा होगा। एट लास्ट ऑसिबल उससे मिला और दरवाजा खोला है, दरवाजा खोल के फॉलर को अंदर आने के लिए बोल रहा है। यू आर डिसइल्यूज्ड, ऑसिबल टोल्ड हिम, बट टेक शेयर माई यंग फ्रेंड, presently you will see a paper, a quite important paper. तो ऑसिबल फॉलर को बोलता है क्या बैठिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूं। Which several men and women have risked their life. Come to me. Someday soon that paper may well affect the course of history. तो ऐसे कुछ पेपर के बारे में बात कर रहा था ऑसिबल फॉलर को जो कि आने वाले समय में लोगों का किस्मत चेंज कर सकता है या एक इतिहास लिख सकता है। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट। तो ऑसिबल ने बात करते करते दरवाजा बंद किया और घर का रूम का लाइट जलाया।
जैसे रूम का लाइट जलाया एंड एज द लाइट केम ऑन फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. तो पहला झटका फॉलर को लगा, क्या लगा ना, एक आदमी एक स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल लेके उसके सामने खड़ा है कुछ ही दूर में. Osbald blinked a few times. Max, he whizzed. You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? तो Osbald ने उस आदमी को पहचान लिया है. वो आदमी कौन है? वो आदमी Max है. तो उसको बोल रहा है कि आपने तो, आपको तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए, आपको बर्लिन में होना चाहिए था, मगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेकेंड पार्ट में आपका राइटर ने बहुत सुंदर तरीके से मैक्स का डिस्क्रिप्शन दिया है. Max was a slender, a less thin than tall, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. तो Max को देख के जो उसको फील हुआ वही यहाँ पे लिखा हुआ है. बहुत ज्यादा लंबा नहीं है और उसका जो चेहरा है वो थोड़ा दुबला पतला ही है, मगर उसके फेस, उसका जो फेस है उसके फेस से लोमड़ी का चलाकी, लोमड़ी का चलाकी हम लोग को समझ में आ रहा है. बर्लिन, बर्लिन एक जगह है, बर्लिन एक जगह है, बर्लिन इज इन जर्मनी, जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है बर्लिन. ओके, सो देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फॉर द गन नथिंग स्पेशली मेंशन. द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स. I thought I would take it from you. It will be safer in my hand than yours. तो इस मैक्स ने ऑलरेडी इस पेपर का सौदा कर चुका है रशियन माफिया से, और वो ये कहना चाहता है कि ऑसबल को कि आप मुझे वो पेपर मेरे हवाले कर दीजिए, वो मेरे पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा. Osbald ने क्या किया ना, Osbald moved to an armchair and sat down heavily. I am going to raise the devil with the management this time. You can't bet on it, he said grimly. तो Osbald ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया. Osbald ने अपना चेयर को लिया और आराम से बैठ गया और कहा कि मैं इस बार मैनेजमेंट से बात करूंगा. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. तो आज दूसरी बार, मंथ का दूसरी सेकेंड टाइम है जब कोई बालकनी से मेरे रूम में घुस आया है. फॉलर आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, और फॉलर ने देखा कि उस रूम में एक ही विंडो था और कोई बालकनी नहीं है. फॉलर ने देखा कि इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वर प्रेजिंग ब्लैकली, और वहां पर कुछ नहीं था, और बाई द चांस रात का जो अंधेरा है वो उस विंडो से दिख रहा था. बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो अ पास की आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रैवल हैड आई नोन. तो यहाँ पे मैक्स थोड़ा ताजुब हो जाता है कि बालकनी के बारे में सुन के, क्योंकि बालकनी के बारे में उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, क्योंकि वो आया है विद अ डुप्लीकेट पास की, और शायद वो जानता तो कुछ उसका प्रॉब्लम कम हो जाता. It's not my balcony, Osbald said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. तो वो मेरा बालकनी नहीं है, वो next apartment का बालकनी है जो कि मेरे रूम से एकदम लगा हुआ है. He glanced explanatorily at Fowler. तो explanatorily का मतलब है जब आप कोई चीज explain करना चाहते हैं. You see, he said, this room used to be a part of a large unit, and the next room through that door there. तो उसके एक door दिखा के वो बोलता है कि एक बड़ा यूनिट का पार्ट था, मगर अभी ये लिविंग रूम में बन गया है, मगर पहले इसका बालकनी था. Which extend under my window now, you can get onto it from the empty room two doors down. तो आप मेरे इस खिड़की से उसमें डायरेक्टली उस बालकनी में जा सकते हैं. And somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. तो मैनेजमेंट ने मेरे को वादा किया था कि वो बालकनी का रास्ता ब्लॉक कर देंगे, मगर अभी तक किया नहीं है. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Osbald. तो नॉर्मल बात है फॉलर के लिए, क्योंकि फॉलर के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था.
क्योंकि ऐसा सिचुएशन फॉलर पहले नहीं हुआ था फॉलर के साथ. सो प्लीज सिट डाउन, ही सेड. वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक. 31 मिनट्स ऑसिबल सेड मोडली. द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30. तो फॉलर को बोला आप बैठ जाइए, आपके साथ मेरा आधा घंटा का अपॉइंटमेंट है. आई विश आई नो हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स. द लिटिल स्पाई स्माइल इवली. तो मैक्स से पूछा गया कि आपको रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चला. एंड वी विश वी नो हाउ यूर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हर्म हैज बीन डन. आई विल गेट इट बैक टू नाइन. वॉट इज दैट? हु इज एट द डोर? फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग द डोर. ऑसिबल्स जस्ट स्माइल्ड. दैट विल बी द पुलिस. तो यहां पे ऑसिबल ने अपना दिमाग लगा दिया. क्या? मैं ऑसिबल अपने रूम में जब अपने गेस्ट को लेके आ रहा था तब बताया गया था उस पर्टिकुलर रूम के जो वेटर है कि मेरे रूम में जाने के बाद आप रूम में कुछ खाने या पीने का पार्ट भेज दीजिएगा, और वही लेके वो आया है. मगर यहां पे सस्पेंस क्रिएट कर दिया कौन? ऑसिबल ने. जब अचानक दरवाजे में नॉक हुआ तो फॉलर एकदम तुरंत वहां पर पहुंचा. ऑसिबल ने हंस के कहा कि पुलिस आया है. He said, I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. तो जो पेपर मेरे पास है इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, और मैंने बोल के रखा है उन लोगों को, बोल के रखा है. I told them to check on me to make sure everything was all right. तो मैंने उनको बोल के रखा है कि आप रूम में आइएगा और मेरे बारे में हालचाल पूछ के जाइएगा. Max bit his nervous. कमेंडिंग गेस्चर का मतलब है, एक तरीके से बोल सकते हैं, जब आप कोई चीज के बारे में आप हुकुम कर रहे हैं. दैट इज अ कमेंडिंग गेस्चर फॉर द पर्टिकुलर पार्ट. तो मैक्स ग्लैंस एट फॉलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, ज्यादा दूर नहीं था, एंड वेट द गन विद अ कमेंडिंग गेस्चर. प्लीज सिट डाउन, ही सेड. वी हैव अ वेट ऑफ एन हाफ एन आवर आई थिंक. तो 31 मिनट्स का बात हो रहा था कि आपको मैंने 30 मिनट का समय दिया. ओके. तो ऑटोमेटिकली फॉलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग ऑफ द डोर. ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड. दैट विल बी द पुलिस, ही सेड. आई थॉट दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल प्रोटेक्शन. ये पार्ट ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं. तो मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली. द नॉकिंग वॉज रिपीटेड. तो आहिस्ता आहिस्ता जो दरवाजा खटखटाने का आवाज था वो बढ़ रहा था. What will you do now, Max? Ossible asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. तो अगर मैं आंसर नहीं किया तो वो किसी भी तरीके से रूम के अंदर आ जाएंगे. तब आप मेरे को बोल नहीं पाएंगे कि मैंने आपको कोई मौका नहीं दिया. तब आप ये बोल नहीं पाएंगे कि मैंने आपको कोई मौका नहीं दिया. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो लोग भी गोली चलाने में देर नहीं करेंगे. Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. तो Max का जो फेस था वो गुस्से से पूरा भरा हुआ था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था उस विंडो को सिवाय. उस विंडो के ऊपर वो चढ़ गया और एक जो पैर था उसका वो दूसरा साइड में दे दिया. तो मैक्स ने कहा सेंड देम अवे, ही वॉन्ट. आई विल वेट ऑन द बैल्कनी. सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माय चांसेस. तो आप उनको वापस भेजिए, मैं बैल्कनी में वेट कर रहा हूं. अगर आप उन्हें वापस नहीं भेजे तो मुझे शूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. The knocking at the door became louder and a voice was said, Mr. Ossible, Mr. Ossible. So, khatkat ka awaaz jo tha wo badh gaya. It was going on and going on. And keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grabbed the frame with his free hand to support himself. तो ये जो पिक्चर का फोटो हम लोग देख रहे हैं इस पार्ट को मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा था कि उसने एक पैर बाहर रखा है और अपने बंदूक को अपने दोनों निशानों की तरफ तान के रखा है. Then he swung his other leg up and over the window sill. The door knob turned
Swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. तो उसने grasped मतलब है पकड़ना, आदर्श grasped मतलब है पकड़ना. जब मैं कोई चीज पकड़ने की कोशिश करता हूं तो इसे grasped. ओके, तो ऑलरेडी मैक्स ने अपना एक पैर बाहर कर दिया और आहिस्ते से अपना हाथ छोड़ दिया और वो सोचा वो बालकनी में गिर रहा है. एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस रियली. तो एक आवाज हुआ. द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड टू ग्लासेस. तो एक वेटर दरवाजे के बाहर खड़ा था, उसके हाथ में क्या था, एक ड्रिंक का बॉटल था और दो ग्लास था. हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल. और उसने टेबल के ऊपर उसका गेस्ट आया बोल के ऑसोबेल ने ऑर्डर किया था. डेफली अनकॉक द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम. उसने बॉटल को खोला और रूम छोड़ के निकल गया. व्हाइट फेस फाउलर स्टीयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस. तो फाउलर थोड़ा अचंभित हो गया कि अरे बाबा आपने तो बोला पुलिस आएगा, तो पुलिस कहां है. देयर वर नो पुलिस ऑसिबल साइड. तो ऑसिबल ने हंस के कहा कोई पुलिस नहीं है, ओनली हेनरी हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग. तो वो हेनरी था मेरा वेटर एंड हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग, जो मैं जिसको एक्सपेक्ट कर रहा था रूम में आने के लिए क्योंकि मैं बोल के आया था. बट ओन दैट मैन आउट ऑफ द बैल्कनी फॉलर बिगैन. तो फॉलर ने कहा वो आदमी जो बैल्कनी में आपका खड़ा है. नो सेड ऑसिबल ही ओंट रिटर्न, यू सी माय यंग फ्रेंड देयर इज नो बैल्कनी. तो मैक्स और नहीं लौटेगा. क्यों नहीं लौटेगा, क्यों बाहर कोई बैल्कनी है नहीं. वो छठा माला से वो सिक्स फ्लोर से सीधा नीचा गिरा है और जहां पे बचने का चांसेस जीरो है. और फॉलर ने मुंह उठा के जब बाहर देखा तो देखा मैक्स नीचे मरा पड़ा हुआ है. सो एक सीक्रेट एजेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड. और ऑसिबल ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम किया जहां पे बिना हथियार उठाए भी एक आदमी को हम लोग मार सकते हैं. एंड दैट्स ऑल अबाउट इट. द रॉबर्ट आर्थर हैज लेट डाउन द स्टोरी इन अ वेरी गुड वे. सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो.